हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आप देख रहे हैं, ये है लोखंडी का, जो कि सिचुएटेड है चकराता में। देहरादून से ये 4 आवर्स की दूरी पर है। ये हम एक ही दिन में जाकर वापस भी आ सकते हैं, लेकिन इसको बेस्ट इन्जॉय के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टेज हैं जहाँ पे आप रह के ये इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने भी लोखंडी में स्टे किया था, क्योंकि वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के संग गई थी और हम सब का नेक्स्ट डे मोइला टॉप पे ट्रैक करने का प्लान था। लोखंडी इतनी ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ का प्योर एयर, वाइल्ड फ्लावर्स एंड शीप को देख के मैं एक्साइटेड हो गई और इतना इन्जॉय करने लगी कि मैं इधर उधर दौड़ने लगी, मैं माउंटेन क्लाइंब करने लगी। मेरे फ्रेंड मुझे कहने लगे, तुझे क्या हो गया, तुझे घर वापस ले जाना चाहिए। थक कर हमने रात को खाई चूल्हे में बनी हुई गरम गरम रोटी। वहाँ का सादा खाना खा के हमको इतना अच्छा लगा कि हम सुकून से रात को सो गए। और अगले दिन सुबह हम सब इतने एक्साइटेड थे कि हम फटाफट ट्रैक के लिए तैयार हो गए। और जब हमने अपनी होम स्टे की खिड़की से देखा तो वहाँ का व्यू इतना मेस्मराइजिंग था कि हम तो वो सब देखते ही रह गए। आप भी ये व्यू इन्जॉय करिए। हम गए थे सितंबर के मंथ में एंड आई थिंक ये बेस्ट मंथ है ट्रैक करने का। तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके 1 किलोमीटर आगे गए और उसके बाद हमारा 2 किलोमीटर का ट्रैक आगे शुरू हुआ। ये ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत सारे पेड़ पौधे और फ्रेंड्स की मस्ती और बातों के संग ट्रैक कब ख़त्म हो गया हमें पता भी नहीं चला। पूरे ट्रैक में इतने अच्छे अच्छे व्यू थे कि हम अपने आप को फ़ोटो खींचने से रोक ही नहीं पाए, इसलिए हमने अपना कैमरा निकाला और सारा व्यू कैप्चर किया ताकि हम ये मेमोरीज़ आगे भी इन्जॉय कर सकें। हम फ्रेंड्स को ये ट्रैक इतना अच्छा लग रहा था कि हम एक दूसरे को कह रहे थे हकुना मटाटा, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैक कभी ख़त्म ही ना हो। क्योंकि मैं ट्रैक में सबसे आगे चल रही थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही थी और कभी कभी ऐसी मस्ती मजाक में उनको गाना गा के भी बुला रही थी। जब हम मोइला टॉप में पहुंचे तो वहां का व्यू देखते ही मैं खुशी के कारण दौड़ने लगी और परियों के मंदिर में हाथ जोड़ने लगी। परियों के मंदिर के अलावा मोइला टॉप में 2 और व्यू पॉइंट्स हैं, एक है तालाब और दूसरा है एक गुफा, जिस गुफा के लिए एक पौराणिक कथा फेमस है कि इसके अंदर 3 रास्ते हैं, बट क्योंकि ये गुफा बहुत पतली थी तो मैं तो इसके अंदर नहीं घुसी। जब पूरा बुग्याल छानने के बाद मैं थक गई तो मैं यहाँ पे लेट के आसमान देखने लगी और इन्जॉय करने लगी। यहाँ इतने हरे भरे बुग्याल थे और देखते ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, और यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब आ रही थी तो हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और शुरू हो गया हमारा फ़ोटो सेशन। इन्जॉय द व्यू एंड इग्नोर माई ऐप्स। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि जुम्बा ज्वाइन करूँ, लेकिन उसके बदले मैं कहीं कैफ़े में चली जाती हूँ, इसलिए आप बस ये व्यू इन्जॉय करें जो कि मोइला टॉप का बेस्ट व्यू है। ट्रैक के बाद अब हम लोगों को लग गई थी भूख, तो जैसे कि हम सारा अपना स्टोव, गैस, मैगी और चाय का सामान लेके गए थे, तो हम अपना स्टोव सेटअप करने लगे ताकि हम मैगी बना सकें। लेकिन हमको बाद में याद आया कि हम माचिस ही रखना भूल गए, तो वो माचिस ढूंढने मैं बुग्याल में चरवाहों के पास गई और उसमें से एक चरवाहे ने मुझे शर्मा शर्मा के माचिस दी, क्योंकि उसको लग रहा था मैं सोचूंगी वो सिगरेट पीता है। मैंने उसको बोला, भैया आप मुझे माचिस दे के बस मेरी हेल्प कर दो। हमारी हेल्प करके वो भैया भी बहुत खुश थे और हमने उनको इन रिटर्न चाय पिला दी थी। हम सब बहुत खुश थे और डांस कर रहे थे। मैगी और चाय की पिक हमने क्लिक करी नहीं क्योंकि हम खाने में इतने बिजी थे। फिर हम ट्रैक से नीचे उतरे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब माई चैनल टूडल्स।